दोस्तों, अगर आप एक ब्लॉगर हैं या ब्लॉगिंग की शुरुआत करने वाले हैं तो आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल फ़ोन या कैमरा को होल्ड करने के लिए आपके पास एक डिवाइस या टूल होना चाहिए। या वो सेल्फी स्टिक हो सकती है, वो या स्टैंड हो सकता है, या फिर एक गिम्बल भी हो सकता है। क्योंकि गिम्बल जो होता है वो बहुत ही महंगा आता है और जो शुरुआती ब्लॉगर्स होते हैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो टूल मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके व्लॉगिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है और ये बहुत ही इकोनॉमिक और बहुत ही सस्ता, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो अगर आप व्लॉगिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो आप गिम्बल जो भी होता है उस पर ना जाके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट मैंने रिसेंटली 419 रुपये में अमेज़न से ख़रीदा है और इसको ख़रीदने के बाद मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी। इसके कंटेम्प्रेरी जो भी गोरिल्ला ट्राईपॉड्स वगैरह मार्केट में आ रहे हैं उससे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग तो मैं एक्चुअली पहले ही कर चुका हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा प्रोडक्ट है। ये है हमारा गैजेट डील का एलियन ट्राईपॉड, इसको हम ओपन करते हैं। आपको इसे स्क्रू को इसको लूज करके इसको ऐसे ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको एक पैकेट में एक ये रिंग आती है जिसके ऊपर ये रबर साइज टाइप का रबर का फील दिया हुआ है, उसको आपको इसके ऊपर माउंट कर लेना है जिसके ऊपर आपका मोबाइल जो है रेस्ट करेगा, मोबाइल होल्डर। इसके ऊपर आप अपना कसेंगे मोबाइल का होल्डर। आप इसको अगर आप इस पर कैमरा माउंट करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, इसके ऊपर अपना फ़ोन, आपके अपना कैमरा जो है इसके ऊपर माउंट कर सकते हैं। और अगर आप अपना फ़ोन इसमें यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से माउंट कर सकते हैं। इसको आप माउंट करने के बाद स्क्रू को इसको टाइट करके आप इसे फिक्स कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्राईपॉड स्टैंड। अब मैं आपको इसके लेग्स दिखाता हूँ। ये लेग्स देख रहे हो आप कितने फ्लेक्सिबल हैं, इसको आप कैसा भी मोड़ सकते हो। तो अगर आप किसी हिल स्टेशन पे कहीं पर आप खड़े हुए हैं जहाँ पर साइड में रेलिंग लगी हुई, तो आप इसको रेलिंग पे आप इसको लगा सकते हैं, कहीं पर भी आप इसको बांध सकते हैं, आप इसको खड़ा भी कर सकते हैं इस तरीके से। दोस्तों, आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देखेंगे बहुत ही सॉलिड है, ये भी अच्छा है, ये भी मजबूत है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर इसके ग्रूव्स मिले हुए हैं ताकि आपका स्टैंड यहाँ पर लॉक हो जाता है। अब आप इसको कहीं पर भी रख देंगे तो ये आपका मूव नहीं करेगा, ढीला नहीं होगा। इसके लेग्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, इनको आप कैसे भी करके इस पर अगर आप जब अपना मोबाइल फ़ोन को माउंट कर लेते हैं तब ये कैसा काम करता है मैं आपको दिखाऊंगा। अपना एक दूसरा फ़ोन इस पर माउंट करके मैं आपको चेक कराऊंगा। तो ये है मेरा फ़ोन और ये मैं इसको माउंट करके आपको दिखाता हूँ। इसको ईजी नहीं, आपको इसको बस खींचना है यूँ करके, ये आपका माउंट हो गया। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको इसका ट्राईपॉड का यूज़ करके और सिंपल मोबाइल से ब्लॉक करके आपको बताऊंगा कि इस ट्राईपॉड का यूज़ करके आपको व्यूइंग एंगल में और आपकी वीडियो क्वालिटी में कितना इम्प्रूव आ सकता है। तो अभी मैं अपने मोबाइल से डायरेक्ट हाथ से लेके एक वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा, और ट्राईपॉड से भी आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो मैं हाथ से लेकर शूट कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि इसमें आपका जो मैं चेहरा भी सही से नहीं दिखा पा रहा हूँ और मेरा बॉडी जो आपको जो स्क्रीन सा साइज़ है वो भी बहुत छोटा दिख रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक ट्राईपॉड या गिम्बल आपके पास होता तो आप बहुत अच्छे तरीके से शूट कर सकते थे। तो ये वीडियो जो है मैं अपने हाथ से शूट कर रहा हूँ, अपने हाथ से मोबाइल को होल्ड करके। तो इसके अगर मैं हाथ में लेके अपना व्लॉगिंग करता हूँ तो आप देखेंगे किस टाइप की क्वालिटी आ पाएगी, ज़्यादा अच्छा आप आउटपुट नहीं मिल पाएगा आपको। तो चलिए ट्राई करते हैं ट्राईपॉड से, यानी कि एलियन ट्राईपॉड जो मैंने आपको अभी अनबॉक्स करके दिखाया उससे हम वीडियो रिकॉर्ड करके देखेंगे कि उसमें मोबाइल होल्ड करके वीडियो में क्या डिफरेंस आता है। दोस्तों, ये वीडियो मैं एलियन ट्राईपॉड को यूज़ करके शूट कर रहा हूँ। इसमें आप देख रहे हैं कि आपको जो पीछे का सीन है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा और इस एंगल पर फ़ोन को होल्ड करने से आप जो है ब्लॉगिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ये 400 रुपये में आपको सिर्फ ये जो है डिवाइस आपको ये 400 रुपये में मिल रहा है, इससे सस्ती डील आपको क्या मिलेगी। आप 7-8 हज़ार रुपये जिम्बल में खर्च करने से अच्छा है एक मोबाइल फ़ोन लें जिसमें आपका वीडियो स्टेबिलिटी का ऑप्शन हो और आप एक 400 रुपये का एलियन ट्राईपॉड खरीद लें, बस आपका काम हो जाएगा। जब तक आप यूट्यूब से अच्छी अर्निंग नहीं करने लगते हैं इससे ज़्यादा रुपये आपको वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा पीछे का एंगल आ रहा है, कितना अच्छा बढ़िया वाइड व्यू आ रहा है इस ट्राईपॉड का यूज़ करके। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मोबाइल ट्राईपॉड? तो अगर आपको भी ये मोबाइल ट्राईपॉड
पसंद आ रहा है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, वहाँ से जाके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। आप मैंने बहुत सारे गोरिल्ला ट्राईपॉड्स भी ट्राई किए हैं लेकिन इसकी क्वालिटी मुझे बेस्ट लगी और बजट में इससे अच्छा ट्राईपॉड आपको मार्केट में नहीं मिल सकता है। तो बिना आँख बंद करे इसको ख़रीद सकते हैं आप, बिना किसी भी कन्फ्यूजन में आए आप इसको मेरी लिंक से परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह के और अच्छे अच्छे गैजेट्स और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। मैं हूँ पंकज और आप देख रहे हैं ग्लोबल ज्ञान हब।